गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आपका स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। आज का मेरा टॉपिक है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज को किस प्रकार से हमको बनाना है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि पैरालेलोग्राम है जिसका साइड ए बी बराबर 60 mm दिया हुआ है, ए सी बराबर 90 mm दिया हुआ है और कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण ए बी सी का मतलब हो गया ये जो बी का मान होगा क्या होगा, 120 डिग्री होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे ए बी, ए बी एक रेखा खींचेंगे जिसकी डायमेंशन आपको दिया हुआ है। यहां पे देखिए ए बी बराबर कितना है, 60 mm दिया हुआ है, 60 mm दिया हुआ है। इसको हम 60 mm माप लेंगे और ए और बी दर्शा देंगे इस प्रकार से। ए बी बराबर क्या है, 60 mm और ए सी बराबर 90 mm, कौन ए बी सी बराबर 120 डिग्री ये दिया हुआ है। तो आपको देखिए ए बी हम क्या किए, 60 mm हम बना दिए। अब आना है आपको ए सी में, तो ए सी किधर होगा, चतुर्भुज है तो चारों चार भुजा होगा, तो ए यहां है बी यहां है सी इधर होगा। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर 90 mm, तो यहां से यहां 90 mm आप कहां लीजिएगा, आपको कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा है कि इधर कहां लेंगे, तो उसको छोड़ दीजिए। आना है यहां पे देखिए कोण पे आ जाइए, कोण ए बी सी बराबर 120 डिग्री, मतलब ये जो बी पॉइंट है ये बी पॉइंट क्या होगा, 120 डिग्री। तो यहां पे हम क्या करेंगे, कंपास को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे, चांद को रखेंगे और 120 डिग्री जिधर होगा हम उसको क्या करेंगे, माप देंगे, इस प्रकार से माप लेंगे और मापने के बाद इसको दर्शा देंगे 120 डिग्री इस तरह से दर्शा देंगे। तो मेरा इधर सी पॉइंट निकल जाएगा। अब देखना है क्या करना है आपको, अब आना है ए सी बराबर 90 mm में, तो AC बराबर 90 mm आप कंपास में डेढ़ में क्या कीजिएगा, 90 mm माप लेना है आपको। अब मापने के बाद A पे रखना है डेढ़ को और इधर की ओर आपको क्या करना है, चाप काट देना है इस प्रकार से। चाप जैसे काटिएगा तो ये एक पॉइंट निकल जाएगा यहाँ पे C पॉइंट। तो आपका जो ये AC दिया है ये डायगोनल है, बिकर में दिया हुआ है, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 90 mm हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, थीन लाइन में मिला देंगे, डार्क तो पहले नहीं करेंगे, पहले थीन लाइन में इस प्रकार से मिला देंगे। तो क्या ये चतुर्भुज बना, नहीं बना, ये त्रिभुज बन गया। अब आप क्या करना है आपको, इसको चतुर्भुज बनाना, तो कैसे बनाइएगा, तो यहां कितना दिया है, 60 mm दिया हुआ है। अब सेट स्क्वायर के सहायता से आपको क्या करना है, यहां से यहां माप लेना है, जितना भी एमएम हो, 45 mm, 60 mm, 50 mm, जितना भी एमएम हो उस एमएम को क्या करना है आपको, डेढ़ सुई में मापना है, कंपास में मापना है और यहां पे डेढ़ सुई को रखना है और डेढ़ सुई रखने के बाद ऊपर की ओर चाप काट देना है इस प्रकार से, जहां पर कटे आपका इसी माप का, ये इसको माप लेना है डेढ़ सुई से, डेढ़ सुई को यहां रखना है और चाप काट देना है। अब क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, इसको माप लेना, देखिए कितना है, 60 mm, 60 mm दिया हुआ है, तो डेढ़ सुई में 60 mm माप लेना है, डेढ़ सुई को यहां रखना है और इधर जहां चाप काटे आपको क्या करना है, काट देना है इस प्रकार से चाप। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा मेरा डी पॉइंट। इसको क्या करना है, ऐसे मिला देंगे और इधर से इसको ऐसे मिला देंगे, ये मेरा चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, इसको मिटा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, ए बी बराबर है 80 mm, बी सी बराबर है 60 mm, सी डी बराबर 40 mm
और डीए बराबर 50 एमएम है और कोण एबीसी बराबर 75 डिग्री है। इसको क्या करना है आपको, चतुर्भुज बनाना है। कैसे बनाएंगे तो सिंपल प्रोसेस है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एबी एक रेखा खींचेंगे कितना एमएम का, 80 एमएम का। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पहले एक रेखा खींच लेंगे 80 एमएम का, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे। ये मेरा 80 एमएम हो गया। अब आपको क्या करना है, बीसी निकालना है। तो बी और सी इधर देखिए कितना दिया हुआ है, 60 एमएम दिया हुआ है। हम 150 में क्या करेंगे, 60 एमएम माप लेंगे और मापने के बाद यहां 150 को रखेंगे। इधर आपको चाप काट देना जहां पर होगा। आपको ये नहीं बोलना है, ये नहीं देखना है कि इधर काटे चाहे इधर काटे, बड़ा ऐसा आपको चाप काट देना है और छोड़ देना है। इसके बाद आते हैं हम लोग सी डी में। तो सी डी, अभी सी निकला ही नहीं है तो डी कहां से हम लोग खींचेंगे, तो छोड़ दीजिए उसको। आते हैं नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट आते हैं डी ए। तो डी भी नहीं निकला है, जो ए को हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। लेकिन ए मेरा दिया हुआ है, देखिए यहां पे ए पॉइंट है, तो कितना एमएम है, 50 एमएम। तो हम 150 में क्या करेंगे, 50 एमएम मापेंगे, ए पे रखेंगे और इधर चाप काट देंगे, बड़ा ऐसा चाप काट देंगे। अब आ जाइए कोण पे, यहां जो डिग्री दिया हुआ है 75 डिग्री, तो कोण ए बी सी मतलब बी का मान क्या होगा, 75 डिग्री होगा। ये जो पॉइंट है ये 75 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे चांद को रखेंगे, प्रोटेक्टर को रखेंगे और जिधर 75 डिग्री होगा इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम खींच देंगे, ये 75 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार से ये 75 डिग्री खींच देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे जो चाप हम बड़ा ऐसा काटे थे पहले ही, जो बी से लेकर बीसी जो खींच रहे थे हम लोग 60 एमएम का, वो यहां पे आपको मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो यहां पे क्या होगा, मेरा सी बन जाएगा। अब देखिए सी और डी, ये एक चाप आपको ए और डी का खींचा हुआ है, लेकिन सी और डी खींचना है आपको, कितना एमएम, 40 एमएम। तो 150 में आप क्या कीजिएगा, 40 एमएम माप लीजिएगा, यहां रख लीजिएगा 150 को और जिधर होगा जहां पर होगा 40 एमएम इस तरह से आप काट दीजिएगा, मिला दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे होगा ये, 40 एमएम छोटा होता है। तो क्या करेंगे, इसको यहां पे 40 एमएम हो गया तो ये मेरा डी पॉइंट निकल गया, दोनों को मिला देंगे डार्क करके। और ये जो बचा लास्ट वाला पॉइंट, इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे डार्क करके। और जितने भी भुजाएं हैं सबको क्या करना है, आपको डार्क कर देना है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज बना सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।